दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर खादरी साहब, MCH ENT स्पेशलिस्ट। गुज़िश्ता वक्त में जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के ज़्यादा केसेस सुने में आ रहे थे, आज हैदराबाद में खादरी साहब के पास वाइट फंगस डिटेक हुआ है, फर्स्ट वाइट फंगस डिटेक हुआ है। तो खादरी साहब, वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज़। जैसा कि आज हम आपकी एक वीडियो देखे हैं कि आपके पास वाइट फंगस फर्स्ट केस डिटेक हुआ है, तो उसके ताल्लुक से कुछ डिटेल्स हमें बताइए, मतलब लोगों को मालूम होना कि उसके डिटेल्स क्या है, स्टार्टिंग में कैसा स्टार्ट हो रहा है और ब्लैक फंगस कैसा स्टार्ट हो रहा है, वाइट फंगस कैसा स्टार्ट हो रहा है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर खादरी ENT सर्जन। तो बेसिकली फंगस जो है एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ओके, ये ऑलरेडी हवा में मौजूद होते हैं इसके स्पोर्स। ओके, अगर किसी का दिफाई निज़ाम यानी कि इम्यूनिटी, अगर जो है डिफेंस सिस्टम अगर किसी का वीक है तो उनको ये फंगस का इन्फेक्शन होता है। ओके, इसके अलग अलग अकसाम हैं, जैसा कि ऑलरेडी कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि जो है म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस, और अभी जो पहला केस डिटेक्ट हुआ है हमारे सेंटर पे एस्परजिलस का केस है, ये वाइट फंगस है। इससे पहले भी जो है कुछ केसेस में जो है कैंडिडा का फंगल इन्फेक्शन जो है पोस्ट कोविड केसेस में रिपोर्ट हुआ था एक आई हॉस्पिटल ने, पर ये एस्परजिलस का जो है वाइट फंगस का फर्स्ट केस है पूरा पैन तेलंगाना स्टेट में। ओके, तो इसके सिम्टम्स जो है, इसकी अलामतें जो है ब्लैक फंगस से इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ओके, पेशेंट जो है यूजुअली नाक से आपके जो है खून बह रहा है या फिर नाक बंद है या फिर जो है चेहरे में सूजन है, ऐसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है। सिर्फ विजुअली देखने में आपको जो है हम एंडोस्कोपी कहते हैं, वो करने पे जो है देखने में बेसिकली ब्लैक फंगस का अपीयरेंस अलग होता है और वाइट फंगस जो है ऑब्वियसली वाइट दिखाई देता है। ओके, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि जो है पहले इसको जो है हम फंगल कल्चर स्टेनिंग करवाते हैं, फिर उसका जो है आप फर्दर स्कैन होते हैं कि जो है खुदा ना खास्ता बीमारी दिमाग के पास पहुंची है या नहीं पहुंची है, सिर्फ नाक या जो है साइनस तक महदूद है, तो जो है उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसकी एक स्टेजिंग है फंगल डिसीज़ की, कि जो है पहला स्टेज में आपको जो है सिर्फ नाक तक महदूद होती है बीमारी, दूसरे स्टेज में आपको जो है बीमारी साइनसस तक पहुंचती है, और तीसरे स्टेज में आपको ये बीमारी आँख तक जाती है, और चौथे स्टेज में ये बीमारी इंसान के दिमाग तक जो है पहुंच जाती है। ओके, तो इसमें ये बीमारी में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो है डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, डेथ रेट अप टू 50% डेथ रेट है, और अगर दिमाग तक ये वबा अगर पहुँच गई तो इसमें जो है अप टू 90% जो है इंसान का डेथ होने के चांसेस होते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि किसी का दिफाई निज़ाम अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसा कि एड्स के पेशेंट है, ट्रांसप्लांट होके जो है, जैसा किडनीज का ट्रांसप्लांट होके, तो ऐसे केसेस में ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट डेथ होती है अगर फंगस से इन्फेक्शन हो गया। तो इसमें जो है इंसान को पहले सिम्टम समझना ज़रूरी है कि अगर आपको नाक बंद है दो दिन से ज़्यादा, और आपको जो है नाक से अगर खून अगर आ रहा है, या आपको चेहरे में कोई हिस्से में दर्द है, ओके, या फिर आपको जो है कहीं पे जो है लीजन्स हो रहे हैं, जैसा कि जो है आपको जो है काले, चाहे आपको जो है नाक में या फिर जो है तारख में ऊपर की तरफ अल्सर जैसा दो दिन से अगर ज़्यादा है, मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं कम नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है फौरन आप जो है आसपास के ENT डॉक्टर को जो है कंसल्ट होना। और ख़ास तौर से जो लोग रिसेंटली यानी कि विद इन 6 वीक्स जो है आपको जो है कोविड का इन्फेक्शन हुआ था या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ था, तो इसमें आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक रहता है। तो विद इन 6 वीक्स आपको जो है पोस्ट कोविड, अगर आपको जो है चाहे आप शुगर रहो या नहीं रहो, क्योंकि ऐसे सारे केसेस जिनमें शुगर नहीं भी था, इन लोग में भी जो है पोस्ट कोविड, क्योंकि दिफाई निज़ाम वैसे कमज़ोर होता है, आप चाहे स्टीरॉयड लो या नहीं लो ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट, आपको फिर भी जो है फंगल केसेस हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वायरस से ही इंसान का जो है बहुत ज़्यादा दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है क्या बोलते सो सिर्फ स्टेरॉइड ही लिए थे हम तो हमको हो सकता कोविड ट्रीटमेंट के टाइम, हम कोविड ट्रीटमेंट के टाइम स्टेरॉइड नहीं लिए थे तो हम सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि जो है ये सेकेंड वेव में लोग जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ करें। ड्यूरिंग फर्स्ट वेव इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है इसका फिल्टर्ड इतना नहीं होता, उतना साफ वो नहीं होता, एक
मोटे अल्फाज में समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो है एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो होता है और जो हॉस्पिटल्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता। तो सेकेंड वेव में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ और स्टेरॉइड्स का भी बेतहाशा यूज़ हुआ, कोई तरीके से सही तरीके से भी यूज़ नहीं हुआ। आप BMS जो है यूनानी पता नहीं, हर जने जो है प्रिस्क्रिप्शंस में जो है सिर्फ स्टेरॉइड्स बे इंतहा जो है पेशेंट्स को दिए हैं, तो इसकी वजह से भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हुआ। और दूसरी कैटेगरी है अगर जो है डायबिटिक्स है और उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, शुगर बे इंतहा बढ़ी हुई है और जो है मेडिसिन से हम पुरानी वाली कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं और जो है शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो आपका डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता, तो उसमें भी जो है आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, और जो है दूसरे केसेस है जैसा कि जो है पोस्ट कोविड आप जो है मतलब केयरलेस है, ओके, आप जो है आपको नाक बहरी नज़ला है फिर भी आप जो है डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे, वही अपने घरेलू नुस्खे करने में परेशान हैं और जो है बीमारी उस दौरान जो है बढ़ सकती, और आपका जो है पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता यूजुअली, और जब जो है इंसान का नाक और साइनसिस का जो है सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता, आपका बेसिकली जितने भी मॉइस्चर वाले एरियाज है जैसा कि नाक है साइनस है या फिर आपके फेफड़े है, ये एरियाज़ में जो है फंगल स्पोर्ट्स कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में आते रहते, तो अगर आपका सिस्टम वीक हो गया तो आप डेफिनेटली जो है फंगस इन्फेक्शन कैच कर सकते। दूसरा जो है इसके ताल्लुक से मैं बोलूँगा, बहुत सारे अफवाह भी गलत फैल के है कि जो है पहली चीज़ कि जो है ये ब्लैक फंगस है वो चाहे वाइट फंगस हो एक दूसरे से स्प्रेड हो सकता, ये बहुत गलत है। ये एक दूसरे से बीमारी किसी को स्प्रेड नहीं हो सकती, अगर किसी को ये कोरोना का ऐसा इन्फेक्शन है, ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे को जो है मुतासिर नहीं कर सकता। दूसरा इसका जो है एक वो है कि जो है एक गलत इन्फॉर्मेशन और ये फैली हुई है कि जो है जो पेशेंट को सिर्फ स्टेरॉइड दिए थे या फिर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, हर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने वाले को ब्लैक फंगस हो रहा या वाइट फंगस हो रहा, मैं बोलूँगा ये भी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर जो पेशेंट को जो है आपको उस टाइम पे सैचुरेशन कम हो रहा, लेस देन 90 अगर सैचुरेशन हो रहा, तो ऑक्सीजन आपको वैसे यूज़ करना ही करना है। ओके, तीसरा जो है क्या बोलते सो, आप जो भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे उसमें ह्यूमिडिफायर रहता है, एक ह्यूमिडिफायर में स्टेराइल वाटर यूज़ नहीं करें, इतने सारे लोग सिर्फ टैप वाटर यूज़ कर रहे और जो है अनस्टेराइल वाटर गंदा पानी प्राकियों में का गंदा कंजल का पानी उसमें भर के ऑक्सीजन को लगा के आप ह्यूमिडिफायर जैसा यूज़ कर रहे, उससे आपको फंगल स्पोर्स को ज़्यादा आपको एक्सपोज होता तो ज़्यादा चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन रहते। और नेक्स्ट है कि जो है इससे हमको कैसा बचना है, ये बीमारी से हमको कैसा बचना है। ओके, तो अगर आपके घर में या आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब में अगर कोई रिसेंटली जो है कोविड से मुतासिर हुआ, ओके, तो इतना जहन में रखिए कि 6 हफ्ते तक उनकी इम्यूनिटी वीक रहती, तो अफराद जो कोई भी रूम में रहते ओके, तो उसको जो है साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, सॉइल बेड्स बेड लेने नहीं रहना, यानी कि रूम में धूल वगैरह नहीं रहना, डैम्प में रहना, यानी कि एकदम कच्चा कंजाल भरा हुआ रूमों में ऐसे जो है अंधेरे रूमों में कोनी के रूमों में ऐसा सब नहीं रहना, जहाँ पे प्रॉपर लाइट आती है अच्छे से जो है अपने को जो है सूरज वगैरह आता वैसे रूम में रहना। ओके, दूसरा आप जो है आपके घर के तरफ में अगर कंस्ट्रक्शन साइट है ओके, तो बेटर है कि आप जो है आपका रूम एकदम जो है क्लोज रहना, क्योंकि अगर डस्ट से अगर आप जो है ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं फंगल इन्फेक्शन का। तीसरा अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपको जो है बहुत ज़रूरी है कि आप जो है आपके शुगर लेवल्स को अच्छे से मॉनिटर करिए, उसके लिए प्रॉपरली मेडिसिन करते रहिए शुगर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ है अगर आप बाहर कभी भी जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, आप काम से जा रहे हैं ओके, विद इन 6 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन, तो आपको जो है ज़रूरी है कि जो है कंपलसरी मास्क लगाइए, कंपलसरी N95 या कम से कम सर्जिकल मास्क लगाना, ये N95 मास्क यानी तो कम से कम 2 रुपये में सर्जिकल मास्क आता, वो मास्क तो भी यूज़ करना, इससे आप डस्ट से बाहर से एक्सपोजर से बच जाते। डॉक्टर साहब सर्जिकल मास्क जो यूज़ कर रहे लोग हैं एक बार खरीदे तो हफ्ते तक नहीं चेंज कर रहे ओके, ये सर्जिकल मास्क हो या चाहे जो भी मास्क यूज़ कर रहे हैं, मैं बोलूँगा या तो सर्जिकल मास्क यूज़ करिए या फिर N95 यूज़ करिए, तो इसमें जो है आपको पीरियोडिकली चेंज करना ज़रूरी है। अपने पास लोग वही धो रहे वही लटका रहे फिर पहन रहे वही जेब में रख रहे 10-10 दिन फिर रहे हैं फिर वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो है हो सकता है कि उसमें फंगल स्पोर्ट्स है, आप कोई गंदगी जगह पे रखे और आप कोविड पेशेंट थे आप मास्क लगाए उससे आपको वापस से इन्फेक्शन हो सकता। ओके, ठीक है, तो जो है ये ज़रूरी है कि पर्सनल हाइजीन क्लिनिनेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब जैसा कि पहले फर्स्ट ब्लैक फंगस आया था, तो ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में और वाइट फंगस के इन्फेक्शन में कितना डिफरेंस है और इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? ओके, देखिए सच्चाई ये है, हकीकत है कि जो है
ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है व्हेन कम्पेयर टू द वाइट फंगस। ओके, कि जो है वाइट फंगस ऐसा नहीं है कि जिसको अपने को हल्के में लेना है, ये भी जो है आपकी इंसान की जान बराबर ज़रूर ले सकता है, पर ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। ओके, समझिए इसमें 2-3 दिन में आपको मर्स अगर बहुत ज़्यादा तेज़ फैल जाता तो वाइट फंगस में वही आपको 1-4 दिन बढ़ के लग सकते हैं। पर इसमें भी अगर आप सही वक्त पे आप सही जांच पड़ताल नहीं करवाएं, मुआयना नहीं करवाए, तो आपकी जो है इसमें जान जा सकती। ओके, इसमें मेन क्वेश्चन में कोई बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें सर्जरी करवाना ज़रूरी है क्या? सर्जरी करवाना ज़रूरी है। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर खाने पर भी अगर कहीं बूझ लग गया तो अपने को फेंक देना पड़ता हो, ब्लैक फंगस में या वाइट फंगस में, अगर सर चाहे ब्लैक फंगस हो या चाहे वाइट फंगस हो, फंगल इन्फेक्शन अगर साइनसेस में नाक में अगर अंदर हो गया, ओके, तो ज़रूरी है कि जिस हिस्से को बूझ लग गया उस हिस्से को हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में सर्जिकल डिब्राइटमेंट कहते हैं, यानी कि जिस हिस्से को बूझ लग गया उस हिस्से को जो है निकालना ज़रूरी हो जाता। ओके, या नहीं तो फैलता ही चला जाता, पहले उसको निकालना, दूसरा जो है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी बोलते हैं हम, या फिर दूसरे भी एंटी फंगल जा रहे पोसाकोनोजोल इसावोकोनोजोल, ये साथ में इसके यूज़ किए जाते हैं फॉर अबाउट 4-5 वीक्स, ताकि जो है फंगल इन्फेक्शन वापस से फिर से ना हो। अगर डॉक्टर साहब आपके पास ट्रीटमेंट करवाना अगर वगैरह तो लोगों को आपका एड्रेस भी अगर बोल दिए तो बेहतर कि कोई जो ज़रूरतमंद लोग है आपके पास आकर करवाने के लिए। ओके, देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो है पहले जो है मरहले में पहचानना बीमारी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में, यानी कि जब तक मर्ज जो है नाक और सिर्फ साइनसस तक जो है है, तो उस टाइम पे अगर डिटेक्ट हुआ तो आप जो है बिल्कुल आसानी से और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और बहुत आपका मैं बोलूँगा कि जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इस दौरान। ओके, तो इस दौरान पे अगर डिटेक्ट करे आपका ENT सर्जन तो आपके जो है चांसेस ऑफ सर्वाइवल 90% रहते। तो इनिशियल स्टेजेस में जो है आप जो है मर्ज को पहचानना, और आप हमारे यहाँ बिल्कुल खादरी ENT क्लिनिक चादरघाट पे भी आ सकते, हमारा एक एडवांस ENT एंडोस्कोपी सेंटर है। ओके, ENT के ताल्लुक से सभी सारे जो है एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो या फिर एडवांस सर्जरीज हो, ये सभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होते हैं। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University, latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC JEE and MCET, YPC NEET and MCET, MEC CACMA, CEC CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up! Admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women. IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.